छिंदवाड़ा में मजदूरों को वेतन देने के नाम पर उनका शोषण करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है सड़क निर्माण करने वाले मजदूरों को ठेकेदार ने 2 महीने से वेतन नहीं दिया है, जिसकी शिकायत मजदूरों ने थाने में की है। परासिया के जमनियापाली गांव में सड़क बनाने वाले लगभग 35 मजदूरों को ठेकेदार द्वारा परेशान किया जा रहा है। सड़क निर्माण के बाद ठेकेदार ने मजदूरों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया है। वेतन देने के नाम पर मजदूरों को यहां से वहां भटकाया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद एसआई अंजना मारवी ने ठेकेदार को बुलाया और समझाइश देकर वेतन देने को कहा। पुलिस की समझाइश के बाद उस ठेकेदार ने 4 दिन की मोहलत मांगी है। उधर मजदूरी न मिलने से गरीब मजदूरों को अपने घर का भरण पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमने काम किए हैं तो आरिफ ठेकेदार के पास, तो वो पैसा नहीं दे रहे हैं। कई आदमी ने करे हैं 16-15 दिन, कई 2 महीना ऐसे काम करे हैं, तो उन लोग पैसे नहीं दे रहे, लटकाते जा रहे हैं। इस दिन में देंगे, 25 तारीख को देंगे, ऐसा वैसा करके बोल के काम करा रहे हैं। और काम करवाने के लिए अच्छा लगा और पैसे देने के लिए। इसकी शिकायत कहाँ की था हम लोगों ने? हमने शिवपुरी थाना में। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।